हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी से। हम जा रहे हैं धाम खाने, तो ये मैं थी और आगे जो है मेरी ननद और उनकी बहू। अभी हम घर से ही निकले थे और जंगल के रास्ते से जो है जा रहे थे। हमारे घर से जो है परले गाँव में जो है शादी थी, तो वहाँ को जा रहे थे। और रास्ते का व्यू देखिए कितना सुंदर है। और ये मैं हूँ क्योंकि मैंने डंडा जो है साथ में लिया हुआ है। रास्ता जो है बहुत तंग है, इस कारण मैंने डंडा साथ में लिया हुआ है। और आगे जो है चील का जंगल है, यहाँ पर जो है नीचे चिलारू वगैरह गिरा हुआ है, तो गिरने का खतरा है, इस कारण मैंने डंडा लिया हुआ है। और हम जा रहे थे रास्ते से, और ये देखिए व्यू कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और जो उधर सामने चील के बीच में से दिख रहा है, उस गांव में जाना है हमारे को। वो पार दिख रहा है थोड़ा सा, वहां पर जाना है। तो यहां पर थी शादी, तो फिर हम जा रहे थे रास्ते से। और ये देखिए, ये मेरी ननद है, ननद भी आगे चली हुई थी और इनके पीछे जो है मैं चली हुई थी, आगे इनकी बहू चली हुई है। रास्ता जो है बहुत ही फिसलन वाला था क्योंकि चील के जो है वो गिरे हुए थे, चील के चिलाफ बोलते हैं हम उनको अपनी लोकल भाषा में, तो वो गिरे हुए थे। तो रास्ते से जो है चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और झाड़ियां भी रास्ते में बहुत कंटीली झाड़ियां भी थी आगे। तो यहां से जा रहे थे हम। और सामने का व्यू देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर व्यू है। पहाड़ों के नज़ारे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से देखिए बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से हम जो है निकल रहे थे। और ये देखिए कंटीली झाड़ियाँ भी थी साथ में। और यहाँ से जो है ये पाइप जो है पानी की, ये हमारे घर के लिए लगाई हुई है, हमने अपना पर्सनल पानी ले गए हम, तो यहाँ दूर गाँव से लेके गए थे हम पानी अपने लिए। तो फिर शादी वाले घर में पहुँच चुके थे हम, और दूल्हा दुल्हन जो है मंडप पे बैठे हुए थे, बाकी जो है पंडित वगैरह अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और मैंने थोड़ा सा जो है कैप्चर किया, और देखिए उनके जो है रिलेटिव आ रहे थे और पांव वगैरह छू रहे थे। हम भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और फिर धाम खाकर हम वापस आ गए थे, क्योंकि अब जो है कोरोना की वजह से जो है आदमी कम कर दिए हैं, तो आदमी जो है थोड़े थोड़े थे। हम रोड से आ रहे थे तो गप्पे मार रहे थे सारे। और खाने का जो है मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि वहाँ पर जो है मास्क वगैरह लगाए हुए थे, तो इस कारण मैंने कैप्चर नहीं किया। और रास्ते में मिल गए थे हमारे को, हमारे गांव के एक हैं जिनके पास जो है बहुत सी भेड़ बकरियाँ हैं, तो वो मिल गए थे। तो फिर यहाँ से नीचों को मैं बड़ी मुश्किल से उतरी हूँ क्योंकि मुझे जो है उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है नीचे की तरफ को चलने में। फिर मैं बहुत मुश्किल से उतरी और साथ में इनकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर जो है दौड़ रही थी। तो देखिए बकरियां जो पेड़ के ऊपर चढ़कर पत्ते खा रही है, यहां पर जो है इनके लिए बहुत अच्छा चारा था और ये बहुत घास पत्तियाँ खा रही थी। और फिर मैं यहाँ से नीचे को बड़ी मुश्किल से उतर गई, और देखिए कंटीली झाड़ियाँ हैं बहुत। और ये बकरी जो है पेड़ पर चढ़ी हुई थी, पेड़ पे चढ़ के जो है पत्ते खा रही थी, तो इसको भी हमने वीडियो में जो है कैप्चर कर लिया। ये जो है ऐसे मतलब टेढ़ा जैसा पेड़ था, तो यहाँ पर एक बकरी की जो है डिलीवरी भी हुई थी, तो ये अपने बच्चे को जो है चाटने लगी हुई थी। और ये बच्चा जो है बार बार खड़े उठने की कोशिश कर रहा था, गिर रहा था और उठ रहा था, तो ये इसको फिर साफ़ कर रही थी, इसके मुंह के पास ही खड़ी हुई थी। और हम जा रहे हैं फिर रास्ते से वापस आ रहे थे, ये पीछे वाली मैं थी और आगे वाली जो है मेरी जेठानी थी। अभी जो है मेरी ननद और उनकी बहू जो है रोड वाले रास्ते से नीचे को गए क्योंकि उनको जो है मेरी दूसरी ननद की गाड़ी मिल चुकी थी, फिर वो नीचे से गए और हम जो है ऊपर से अपने रास्ते से आए। और पीछे से जो है रिया वीडियो को शूट कर रही थी। थोड़ा थोड़ा रास्ता जो है बहुत ख़राब था, फिसलन वाला था, और मुश्किल से ही हम जा रहे थे। पूरे रास्ते में जो है चील के बड़े बड़े पेड़ थे और नीचे जो है इसके जो है चिलारू गिरे हुए थे, बहुत टफ था चलना।
तो इस कारण मैंने डंडा जो है हाथ में लिया हुआ था। ऐसे में प्लेन में ठीक भी चल लेती हूँ, लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए जो है डंडा लेके ही रखा था। रिया ने तो अपनी चप्पल भी हाथ में ही उठाई हुई थी, क्योंकि रास्ता जो है फिसलन वाला था बहुत ही ज़्यादा। ये रहा वो पार शादी वाला घर। तो यहाँ से हम फिर वापस भी आ चुके थे, क्योंकि खाने का मैंने इसमें जो है शेयर नहीं किया। वहाँ पर जो है अफरा तफरी में जो है इधर उधर ही रहे। तो सूर्य जो है इस बार इस टाइम बहुत ही चमक रहा था, और धूप बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। और चील के पेड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपके साथ व्यू शेयर किया हुआ था, क्योंकि ये हमारा ही रुकता है। तो यहाँ पर हम जो है घास काटने के लिए जाते हैं बरसात के बाद। तो फिर हम पहुँचने वाले थे घर पर। ये नीचे जो है थोड़ा सा लिया खड्ड का और सुराही खड्ड का व्यू को कैप्चर किया। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। और खजरे थी साथ में यहाँ पर, और कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे सारे, क्योंकि यहाँ से जो है रास्ता बिल्कुल टाइट रास्ता था। फिर आराम आराम से जा रहे थे सारे। और ये सुराही खड्ड देखिए, यहाँ पर गेहूँ अभी थोड़ी हरी है और यहाँ पर पकी नहीं है अभी। और ये काफल का पेड़ था। और यहाँ ऊपर जैसे जो है मेरे जेठ जी ने जो है गुआन बनाई हुई है अभी। और ये टावर है हमारे घर के पीछे। और अभी पहुँच गए हम अपने घर में। तो यही था आज का ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।